सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है और पेट ना साफ होने से कब्ज जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। कब्ज एक रोजमर्रा बीमारी है, नाम सुनने में भले ही छोटा हो पर बीमारी बहुत बड़ी है और ये अपने साथ साथ कई छोटी बीमारियों को भी जन्म देती है। कई बार ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग इससे राहत पाने के लिए दवाई खा लेते हैं, लेकिन कब्ज जैसी बीमारी के लिए दवाई खाना से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। इसमें दवाई खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बीमारी को घरेलू नुस्खे से निपटाया जा सकता है। घरेलू नुस्खे अपनाकर इस बीमारी से राहत पाई जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आप इस बीमारी से आसानी से राहत पा सकते हैं। रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में स्वाद अनुसार शक्कर मिलाकर पी ले, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। सेब खाने में टेस्टी होती ही है, लेकिन आपको पता है सेब खाने से भी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। सेब के छिलके उतार कर उसे चबा चबा कर खाए, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप चाय या दूध में एक चम्मच घी मिलाकर उसे पी ले, ये आपको रात को सोने से पहले पीना है, इससे भी आपको सुबह सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। कब्ज से बचने के लिए आपको ठंडे खाने से दूर रहना पड़ेगा। आपको गर्मी हो या फिर सर्दी हो, आपको ठंडे खाने का ही सेवन करना है, आपको गर्म खाना ही नहीं खाना है। साथ में ठंडे पानी का सेवन ना करके हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें, इससे आपकी कब्ज जैसी बीमारी को छुट्टी हो जाएगी। अपने खाने में फाइबर को शामिल करें, ओट ब्रेन, व्हीट ब्रेन, ताजला फल और सब्जियां आहार में शामिल करें, यह आपके मल को हल्का करेगा। त्रिफला फल, तीन फलों से मिलकर बनता है त्रिफला फल और कब्ज जैसी बीमारियों से राहत भी दिलाता है। त्रिफला का इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। इसके लिए आपको एक चम्मच त्रिफला को एक कप गर्म पानी में 10 मिनट तक छोड़ना होगा, इसके बाद ही इसे पी ले। यह आपको रात को सोने से पहले करना है और जब आप सुबह उठेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको 5 से 6 घरेलू नुस्खे बताए हैं, आप इनमें से कोई एक नुस्खा अपना कर देख लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा और आपको कब्ज जैसी बीमारी कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट 9 क्योरेंस से आंचल की रिपोर्ट।